अब तक आपने बिजनेसमैन और समाज सेवक रिजवान अदितिया के जीवन की कहानी फिल्मी पर्दे पर देखा है, लेकिन अब रिजवान अदितिया की कहानी रेशू के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इस बुक का विमोचन मुंबई में हुआ, जहां पर खुद रिजवान अदितिया मौजूद थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अब्बास मस्तान, जयंती लाल गड़ा इस बुक लॉन्चिंग पर शामिल हुए। वैसे हम आपको बता दें कि इस किताब को राइटर आशु पटेल ने लिखी है। ये उनकी अब तक की 50वीं किताब है जो उन्होंने खुद लिखी है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। डन यस सर, एक्सक्यूज मी, या वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, यस यस, एक मिनट होल्ड ऑन। वर्षाबेन साहब जो वो थैंक यू, सुपर। क्या दिया अनिल आपको? अब्बास भाई, आशु भाई, जयंती भाई जी, वही अब समझते, लेकिन वो कराऊंगा अपना जयंत था जी। सामने जाओ अब्बास भाई, सर इधर नहीं, बद्दा सामे जो एक बार आ लेंस में बारा आके मेरा बच्चो जो ओके प्लीज यस सर, या वन मोर प्लेस हियर, वेट वेट वेट, ओके फाइनल। आज मैं वेरी नियर एंड डियरेस्ट जीतू भाई पटेल, उन्होंने बताया कि भाई आशु भाई की नॉवेल और रिजवान जी के ऊपर लिखी गई है, तो हमने बोला कि जिनके ऊपर लिखी गई कमाल के राइटर है ही, 50th ये बुक है वो, तो हमने सोचा कि जिन पर लिखी है वो भी कुछ बहुत कमाल की हस्ती होगी, जिन पर नॉवेल लिखी जा सकती, जिन पर लिखी जा सकती। तो बहुत अच्छा, मैंने खाली मैंने आगे पढ़ना तो पर मैंने लास्ट पेज देख लिया इनका कि गोइंग टू गो ग्लोबल इन 70 कंट्रीज, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन रिजवान भाई एंड आशु भाई फॉर राइटिंग दिस नॉवल ऑन हिम, एंड थैंक्स वेरी मच डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड एवरी वन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी बर्थडे रिजवान भाई। अभी मैं आशु भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और रिजवान जी को, और जितने भी गेस्ट आया है सबको, बाकी जो और जयंती भाई जो हमारे खास फ्रेंड हैं और टॉप हमारे इंडस्ट्री के हेल्पफुल पर्सन हैं, सबको प्रमोट करते हैं आज हमारे सामने हैं। और जिस तक मैंने जो कहा ना वापस में रिपीट करना नहीं चाहूँ, हाँ तो मैंने को आपको विश करना था आशु जी एंड इमरान भाई, ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेज और जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आई थिंक आशु भाई का वही स्पेशलिटी है, मैडम एक्स भी वैसे ही है, थ्रिलर है, आप सोच रहे हो क्या होने वाला, ट्विस्ट कहीं हो जाता है, तो ये अब्बास मस्तान जी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और रिजवान जी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, रिजवान जी को बहुत 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 मुबारक। और मुझे खुशी है कि मैं अभी सुबह आयुष्मान को विश करके आया, उनका भी आज बर्थडे है और रिजवान जी का भी आज बर्थडे है, आज हमने ड्रीम गर्ल रिलीज किया, तो आज बुक्स भी रिलीज कर।
थैंक्स जैन भाई, मेरे दोस्त हैं सीनियर हमारे अपराज भाई मसान है, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। रिजवान भाई राशि की है ना, रिजवान भाई आपको बर्थडे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के लिए मतलब 50वां जन्मदिन और 50वीं बुक आशू भाई की, ये कॉम्बो बहुत अच्छा हुआ आज। आप लोगों को आशू भाई के बारे में बहुत कम पता होगा, मैं कुछ रिवील करूं। आशू भाई, विराट कोहली जितनी जल्दी स्कोर बनाता है ना, सुनील छेत्री जितने गोल्स बनाता है, उतने ही फास्ट आशू भाई नॉवेल लिखते हैं। Journey before three decades, almost same time we have started journey from Porbandar. We started from late 80s, I think 85. I have started 88, yeah. So at that time we were dreaming big, that we'll do something big. Rizwan bhai has a tremendous business command, vision, and I have creativity. So I have 50 books. Rizwan bhai has few thousand crore rupees. Narendra Modi know him personally. Day before yesterday he was having lunch with President of Iceland, and previous day he was having lunch with Ramnath Kovind in Iceland. So many of the people, Salman Khan knows him personally. This, we are proud of him. We are from same region, and actually I know him through his uncle. Salmaji's Masa Akbar Sorati. So he is my very old friend. So I have heard a lot of about Rizwan bhai. But when I met him, I was surprised by his energy. He has so much energy. He was doing so much things at a time. He is having a business empire in 10 East African countries, Dubai, China, Abu Dhabi, India. He is having Rizwan Aditya Foundation. This foundation has helped to serve 70 poor country. We are, and when we compare our country to developed country and semi-developed country, we are in world on 133. Rizwan bhai, what number? 131 number. So 70 countries are poorer than India. So he has the dream to serve those 17 countries, and he is planning within one or two decades. Rizwan Aditya Foundation will be offices across these 70 countries. He has the dream, and he is thinking that I'll remove poverty from this 70 country. See, this one cannot imagine also. This much means, and he is coming from a very poor family. Very poor family. Yes. We have spent days. Yes. He was used to travel in unreserved train. I was used to travel in unreserved train. So I had discussed many things. Then I shared the idea with my daughter here. No word can really take place in between you and them. Resho by Ashu. I mean, uptown funk, that kind of a category class this book is to me, because when, as in Porbandar person, apne Gujarat no Porbandar no yuvan, badak, kya pohunchi jaye East Africa, mane atla Bharat na jhanda phailave. So I think the cover page itself speaks the hurdle of that struggle. I would rather like to say about this man, ane kevai class, style, ane presence, Dr. J.J. Rawal. Maru association, Ashu Sarthi, though of course I had heard greats about him, but the minute I started writing my column in Mumbai Samachar, I started reading him and actually started becoming his follower. Trust me, avakashni vato, je mana sapadne ahiya shunya avakash ma dekhadi chahe. The person who's actually making us aware about what's happening up. So in today's trend, when we say what's up, so there's a lot of up there, and we all have to be as humble as Ashu bhai, that come what may, things has to progress. And definitely supporters to him are amazing. To actually take it further,
for this entire event and each one of you standing out there. In fact, आज ने अहिया हमारा जीव हम जैसे जो कोई strugglers होंगे वो एक ड्रीम करते होंगे कि हमारा भी कुछ हो जाए ऐसा कुछ like you know someday some nonsense we create and that has to be so much from bottom of your heart and it has to be such a fact that people like you can gather to bless us. In fact, Reshu sir and Ashu sir, you guys are getting blessed by these people's presence. બધા એટલી બધી માર્કેટિંગ કરતા હોય છે લોકોને ખાલી પોતાના ઇવેન્ટમાં બોલાવવા માટે. અહીંયા તો હુઝ હુઝ ઓફ ધ કન્ટ્રી ઓફ ધ ગ્લોબ એન્ડ ઓફ ધ યુનિવર્સ આર પ્રેઝન્સ હિયર, રાઈટ સર? અમે બધા લાઈક હમ સબ કહીં ના કહીં કિસી પ્લેનેટરી કે તારે હી હૈ જિસમે હરેક મેં અલગ અલગ ક્ષમતા હૈ, હરેક અલગ અલગ તરીકે સે અપને આપ મેં એક સિતારા હૈ. ઓર જો ઇતને સારે વર્ડ્સ કા ધની હો, like when I started learning writing, 1,000 words capacity, 6,000 words capacity, beyond more. But when Ashu sir said that when you write something about someone, it has to be from your heart, that you're living that person. Bhartiya Kanya, kyunki kehte hain ki jahan pe tum khade ho, wahan pe apni ek energy milti hai. Aur is energy ka, jo granth ke saath ek bandhan juda hai, I think each one of us should really imbibe each other with great positive energy that this book goes miles ahead just as his life has gone ahead and just as this guy has reached 50th on 50th birthday. May he reach 100 soon. Rizwan ji ko main mili thi kareeban 8-9 pehle ya maybe 1 year Taj Lens End mein November mein, ha last November mein inka कुछ बहुत बड़ा और लिख भी लिया तो आई एम रियली हैप्पी कि आपने लिखा आशु भाई और ऑफकोर्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक और इतनी सारी बुक्स लिखना मतलब जैसे हम लोग शोज करते हैं यू नो 500 600 700 800 शोज कर लेते हैं वैसे ये लोग कैसे लिख सकते हैं मुझे तो पता नहीं चलता बिकॉज आई बेसिकली डोंट राइट एंड आई बेसिकली डोंट इवन रीड बट आई लव टू लिसन टू अगर किसी ने बैठ के मुझे कुछ अच्छी अच्छी किताब लेके मुझे सुना है घंटों तक तो मैं बैठ सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली ये बुक मैं किसी से मैं कोई पढ़ेगा और मैं सुनूंगी डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू मैं बहुत आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट आज मेरी लाइफ के ऊपर नोवेल हमने लॉन्च किया है मैं आशु भाई पटेल और उनकी पूरी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इसको लॉन्च करने तक पहुंचा दी है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं ये बुक मुझे बहुत उम्मीद है हर कोई जो भी कोई पढ़ेगा उनको डेफिनेटली इंस्पायर करेगा इंस्पिरेशन मिलेगा खास करके जो लोग बिजनेस के अंदर लॉस करते हैं बिजनेस के अंदर बैंकक्रप्ट या ऐसी कोई सिचुएशन चैलेंजेस में आ जाते हैं उन लोगों को मोटिवेट करेगी या बच्चे जो यूथ है जिनके पास डायरेक्शन नहीं है जिनके पास लाइफ की चैलेंजेस को फेस करने का एक कोई रास्ता प्लेटफॉर्म नहीं है उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म देगी बुक और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट लेवे और जो फैमिली के अंदर पारिवारिक तनाव चलता है या फैमिली के अंदर जो चैलेंजेस चलती है और आज की जो सिचुएशन या क्राइसिस की वजह से फैमिली में डिवाइड होती है या फैमिली बिखर जाती है ये बुक पढ़ने से फैमिली के अंदर भी एक जोश आएगा उन लोगों की यूनिटी स्ट्रांग बनेगी और चैलेंजेस को फेस करने की एक ताकत भी उन लोगों को मिलेगी तो आप लोगों का सपोर्ट है आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों तक आप पहुँचते हो और मुझे उम्मीद है आपके सपोर्ट से ये मेरी बुक मेरी नॉवेल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी सर अब तक हमने आपकी कहानी को फिल्मों के पर्दे पर देखा है बुक के जरिए आ रहा है तो कितना मुश्किल रहा इस बुक को लोगों की पूरी कहानी बुक के जरिए लोगों तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले तो मेरे लाइफ के ऊपर बायोपिक मूवी बनी है 2 घंटे 10 मिनट की हम लोग 3 महीने के बाद एक्चुअली लॉन्च करेंगे जैसे मैंने बताया कि ये मेरी लाइफ की रियलिटी है कि हमने बहुत चैलेंजेस फेस की है पर कभी हम हार नहीं माने हैं हर चैलेंजेस के सामने हम लड़ के उसको अपॉर्चुनिटी में हमने कन्वर्ट की है वही हमारा मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आवे हिम्मत मत हारो लड़ो
लड़ने वाला आदमी जीत सकता है जैसे हम जीतते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी चैलेंजेस को फेस करके हम लड़ के जीतेंगे। तो जितना लड़ेंगे इतना आप ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। और एक चीज़ लाइफ में चैलेंजेस आनी चाहिए, चैलेंजेस नहीं आती है ना उनकी लाइफ रुक जाती है। चैलेंजेस ही ऐसी है कि अपने को ग्रो करती है, अपने को डेवलप करती है, अपने को स्ट्रांग बनाती है। यही ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन लाइफ है। हर चैलेंजेस वो झाड़ में भी और झाड़ के सीट में पानी डाल के झाड़ को ग्रो किया जाता है, ऐसे ह्यूमन लाइफ को चैलेंजेस का पानी डाल के ही ग्रो होती है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आना जरूरी है, चैलेंजेस आना जरूरी है, तकलीफ आना जरूरी है, मुसीबतें आना जरूरी है, तब जाके हम ग्रो हो सकते हैं। तो आपकी आपकी लाइफ में चैलेंजेस होगा, फिक्र मत करो, लड़ो, लड़ोगे तो आपको चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आप जीत सकोगे। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू कॉमन फैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र पटेल, उन्होंने मिलाया था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा मिलने में। उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी और सब, जिसमें बहुत सारी फिल्में बन गई है, वेब सीरीज बन गई है, और ये 50वीं किताब में हमको इनवाइट किया इन्होंने लॉन्च पे इशू। तो हमने सोचा कि अगर उन्होंने इतनी इंटरेस्ट से लिखी है तो जिस शख्स पे लिखी है तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो बहुत बड़ी हस्ती होगी, कितना कुछ काम किया होगा जिस पर किताब लिखी है। हमने बोला हम लोग ज़रूर आएंगे, हमारी बेस्ट विशेष देंगे, हम लोग के जितना हो सके उतना देंगे। और बहुत इंस्पायरिंग है, जैसे हिमेश ने बोला है कि बहुत इंस्पायरिंग जो ये कैरेक्टर अपना जिन पे बनी है वो रिजवान भाई, और इंटरनेशनल वेल नोन पर्सनैलिटी है। तो बहुत अच्छा लगा, हमारे बहुत बहुत उनके 50वें जन्मदिन पर उनकी बुक लॉन्च पर बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से और शुभकामनाएँ। जितनों ने कहा तो हमको सुन के तो बहुत अच्छा लगा। हमको ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, और इंटरेस्टिंग किताब रेशो हम लोग पढ़ना चाहेंगे। तो जब हमको बहुत अभी भी अच्छा ही मैंने कि हम लोग कब शुरू करें पढ़ना, लेकिन हम लोग किसी से पढ़वाई और हम लोग खुद हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन हम लोग सुनते हैं, तो पढ़ के हम लोग सुनेंगे। तो आपको सुन के इसे पर्दे पर लाने चाहिए? ऑफकोर्स डेफिनेटली लगेगा, इंस्पायरिंग है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इंस्पिरेशन मिले किसी को, एक स्क्रैच से लेके एक आदमी ने यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली इंस्पायरिंग होगी। तो क्यों नहीं बनाएंगे हम लोग ऐसे किसी के ऊपर किताब नहीं लिखी जाती है। जब किसी में कुछ बात होती है या कुछ किया होता है उन्होंने, तो वो ऐसा इंस्पिरेशन पर्दे पर आना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे हम लोग कैमरा कहाँ पे है? किताबें तो मेरी काफ़ी आ चुकी है, ये 50वीं किताब है, लेकिन इंग्लिश मेरी सेकंड नॉवेल है। और मुझे आनंद इस बात का है कि ये मेरे रीजन, मेरे नेटिव के पोरबंदर से है रिजवान जी। तो एक बिल्कुल पुअर फैमिली से, गरीबी से निकल के कोई आदमी इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, और लाइफ में उनके इतने ट्विस्ट टर्न्स है, और आज कितने कंट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनको पहचानते हैं। तो वो जो रोलर कस्टर जैसे राइट रिजवान आड़तिया जी की है, तो उस पर मुझे एक थॉट आया कि नॉवेल लिखी है। और ये नॉवेल लिखने में भी मुझे मजा आई। ये खाली एक नॉवेल नहीं है, एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है कि कैसे आदमी कैसे ओड सिचुएशन में अगेंस्ट ऑल द ऑड्स आगे बढ़ सकता है आदमी, और कितनी ऊंचाई सर कर सकता है। तो उसका एक जीता जागता एग्जांपल रिजवान रतिया है। तो मुझे और खुशी दूसरी ये भी है कि इन पे मेरे परम मित्र और वेल नोन डायरेक्टर जयंत गिलाडर जी वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। मेरी पहली भी जो किताब आई थी मैडम उन पर यहीं पे हुआ था लॉन्च, और आप लोग काफ़ी उनमें से थे। तिग्मांश दुलिया जी मैडम इस पर फिल्म बना रहे हैं। तो बस आई एम एन्जॉइंग द इवनिंग एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी।